ये तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगा। लेकिन क्यों, क्या मैंने कहीं भगा कर ले जाऊंगी? शर्म नहीं आती तुम्हें इस तरह की बातें करते हुए? जब आपने ऐसा सोच लिया, आपको शर्म आई नहीं ना, तो फिर मुझे क्यों बात करते हुए शर्म आई? जी आपके मरने की बात मुमकिन है ना? बस बहुत हो चुका। अरुण साहब, आप यहाँ ना रुके तो ज्यादा बेहतर होगा आपके हक में। क्या वो मस्जिद कौन लोग थे? वो हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा कौन लोग थे और क्या चाहते हैं। क्या आपके उस घर के लिए पहले भी किसी ने दिलचस्पी जाहिर की थी? जहाँ तक हमारा ख्याल है, ऐसी तो कोई बात नहीं। मुझे तो अंकल की मर्जी लग रही है। फिलहाल तो वो इस जमीन को बेचने के मूड में नहीं लग रहे। वैसे उन्हें करना भी यही चाहिए। ऐसे थोड़ी होता कि बाहर से कोई भी आए और उसे बोले कि जी आप अपनी जगह खाली कर दे, मुझे यहाँ पे शॉपिंग मॉल बनाना है। अरे यही सब तो लोग करते हैं अपने मफाद की खातिर, कहाँ परवाह करते हैं किसी की। वैसे माजी तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वैसे मेरे ख्याल में आप लोगों को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो दुश्मनी बढ़ सकती है ना। ऐसे कैसे दुश्मनी होगी, क्या जंगल का कानून है? ये तो हमें मालूम नहीं, लेकिन आप तो जानती है ना, हर ताकतवर खुद को फिरौन समझता है। लेकिन हर फिरौन के लिए मूसा भी होता है। आप अंकल को समझाएं और देखें अंकल कितने हिम्मत वाले हैं। और एक आप हैं कि खुद को कमजोर कर रहे हैं फिजूल में। नहीं, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि तुम इतनी इमरजेंसी में जा रहे हो? अरे यार, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ और ये तुम क्या काली बिल्ली की तरह मेरा रास्ता काटती रहती हो। वैसे ये बैठे बैठे तुम्हें क्या सूझी, अचानक किसी का फोन आया और तुम भाग पड़े? अरे भाई, मुनव्वर भाई की कॉल आई थी जहाँ मैंने इंटरव्यू दिया था। नौकरी के लिए बुलाया उन्होंने और कहाँ जाना है मैंने। तो ये बात तो मुझे पहले भी बता सकते थे, मैं बिला वजह बात का बतंगड़ बना रही थी। यार प्रवीण, क्या हो गया तुम? मैं पहले भी तो बाहर जाता था, पहले तो तुम इस तरह से शक नहीं करती थी। मैं पहली दफा बाहर थोड़ी जा रहा। पहले तुम्हारी हरकतें भी तो ऐसी नहीं थी, मगर अब तुम मुझसे बातें छुपाने लगी हो। नहीं, वहम है तुम्हारा, मैं अभी भी तुम्हारा वही नहीं हूँ, बस सिर्फ देखने का अंदाज बदल गया। मेरे देखने का अंदाज नहीं बदला, बल्कि तुम्हारा रवैया बदल चुका है। तो तुम्हारा कहने का मतलब इसकी वजह सुंबल है? मैंने तो सुंबल का नाम नहीं लिया। यही तो तुम्हारे दिल का चोर है कि मैंने नाम ही नहीं लिया और तुम्हें फौरन सुंबल याद आ गई। देखो पप्पी, मेरे दिल में कोई चोर नहीं। फिर खाओ मेरी कसम, तुम आज के बाद सुंबल से नहीं मिलोगे। देखो पप्पी, कसम तो झूठे लोग खाते, मुझ पे भरोसा करो और मुझे जान। फिर बाद में मत कहना कि मैं नौकरी नहीं कर सकता। क्या लग जा रहा? ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मेरे ख्याल में आपको उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी चाहिए थी। क्या होगा उससे, कोई फर्क पड़ेगा? आपको पता नहीं है, जो इतने बड़े लोग होते हैं इनके ताल्लुकात बहुत ऊपर तक होते हैं और पुलिस इन पे इतनी आसानी से हाथ नहीं डालती, बल्कि उल्टा तो मिली भी होती है लोगों के साथ। तो उसकी बातें रिकॉर्ड कर लेते ना। हाँ, ये तो हमसे गलती हो गई। कमाल अंकल आए हैं। कमाल अंकल, अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया, कमाल अंकल आ गए। अब्बा जी को अच्छी तरह से हैंडल कर लेंगे, देखते हैं। तुम हैयत, क्या बात? आज मेरे रिश्ते के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। अरे तो फिर क्या मतलब? तो फिर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते क्या? हाँ करना चाहता हूँ, लेकिन। लेकिन क्या, अपनी बीवी को छोड़ नहीं सकते? अच्छा ठीक है, मुझे ये भी मंजूर है। अब तो तुम अंकल को मेरे घर रिश्ते के लिए भेजो ना। तुम बोल, हम बाद में बात करेंगे। बाद में कब? जब वो लोग बारात लेकर आ जाएंगे तब। इतनी जल्दबाजी नहीं करेंगे वो लोग। तुम समझ नहीं रहे हो, घर वाले मेरी शादी करने पर तुले हुए हैं। ये रिश्ता उनकी मर्जी और पसंद का है। मुझे लगता है कि अरे वो हाँ कर भी दें तो क्या होता है।
रिश्ता मंजूर होने से कुछ नहीं होता। एक बार अगर हमारे खानदान में रिश्ता तय हो जाए ना नहीं, तो वो लड़की सारी जिंदगी उसी के नाम से जुड़ी रहती है। वैसे मेरे ख्याल से ये इंतहाई फजूल रस्म है। जानती हूँ, लेकिन मैं इसे बदल नहीं सकती। अच्छा अच्छा, हम इस पर बाद में बात करें, अभी मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना। अच्छा ठीक है। भाई वो हारून क्या कह रहा था? कमाल अंकल, वो सीधी सी बात है, जमीन खरीदना चाहते हैं और क्या। मिर्जा ने इनकार कर दिया होगा? जाहिर है, साफ इनकार। कोई गर्मा गर्मी तो नहीं हुई? हाँ हुई थी, लेकिन हमने संभाल लिया। अपने साथ किसी बदमाश को लेके आए हुए थे, बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहे थे वो। अच्छा, वो असलम होगा, का खास चमचा है। कमाल अंकल, ये आप इतना सब कुछ उनके बारे में कैसे जानते हैं? हाँ बेटा, जमाना गुजर गया, ये एक कबाड़ी था, गली गली ठेला लगाता था। एक दिन न जाने कहाँ से उसको पैसे मिल गए और फिर उसके हालात बदलते गए। जैसे शक्करों को मीठा मिल जाता, उसको दो नंबर लोग मिलते गए और वो उनके साथ चलता गया। अब तुम देख लो कि वो क्या से क्या बन गया। कमाल अंकल, आप अब्बा जी को समझाने की कोशिश करें ना। मैं क्या उसे ये समझाऊं कि जमीन बेच दे? आपको नहीं लगता कि वो एक सही फैसला होगा? तुम्हें ऐसा लगता है? अरे हमें लगने का ना लगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बात तो ये है कि अब्बा जी को क्या पसंद। हम एहसन मिर्जा को बड़े अरसे से जानते हैं, जो वो फैसला करेगा हमें उसका अंदाजा होना चाहिए। वो जिस किस्म के शख्स हैं, आपको क्या लगता है कमाल अंकल, हमारा जमीन ना बेचने का फैसला हमारे हक में बेहतर होगा? बेटा मैं क्या कह सकता हूँ। कमाल अंकल, आप हमारे फैमिली मेंबर की तरह हैं और आपकी राय तो हमारे लिए काबिले एहतराम है। बहुत शुक्रिया बेटा, तुम ये समझते हो, मैंने तो अपनी कोशिश कर ली। कैसे हैं अंकल आप? और आप अभी तक नाराज हैं? अंबर भी बहुत परेशान है, उसे ऐसा लगता है कि आप लोग चाहते हैं हम लोग यहाँ से चले जाएं। नहीं नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं, मतलब हम क्यों चाहेंगे कि तुम यहाँ नहीं आओ। वैसे अंबर ने जो कुछ भी किया वो एक तरफ, लेकिन है तो वो मेरी बेटी ना। और बेटा तुम तो जानते हो, कभी नाखून से भी गोश्त जुदा हुआ है। अंकल मैं चाहता हूँ कि आप हमारी तरफ से अपना दिल साफ कर लें, जो होना था वो तो हो गया ना। और अंकल आप यकीन करें, अंबर इस बात पे बहुत ही शर्मिंदा है। देखो बेटा, मैं गुजरी हुई बातों को नहीं याद करना चाहता, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी को जितनी हद तक खुश रख सकते हो उसे खुश रखो। हमने उसे बहुत नाजों से पाला है, उसकी हर ख्वाहिश पे सरे तस्लीम खम कर दिया है, और अब तुम लोगों को ये कोशिश करनी है कि तुम्हारे रवैये और बर्ताव को देख कर घर के सब लोग तुम्हें दिल से कबूल कर लें। अच्छा अंकल आप फिक्र न करें, हम आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे, और मैं बाकी सबसे भी उम्मीद करता हूँ कि वो लोग भी हमें दिल से कबूल करेंगे। अच्छा अंकल, मैं अंबर को देख लूँ, कहाँ है वो, क्या कर रही है? हाँ हाँ बेटा देख लीजिए। मैं कुछ दिनों के लिए फाखर जी की तरफ जाना चाह रही हूँ। लेकिन ये बात तो तुम पहले भी कर चुकी हो, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई जो तुमने उनके घर जाने की जिद लगाई हुई है। मेरा दिल घबराने लगा है यहाँ पे, दम घुटने लगा है मेरा यहाँ पे। कमाल है, अपने घर में भी किसी का दम घुटता है, तुम खुद को बिजी रखा करो। और कितना बिजी रखूं जमाल, सारा दिन तो मेरे घर के कामों में ही गुजर जाता है। महवेश औरत का असल मकाम उसका अपना घर होता है, और उन लोगों से तुम्हारा कोई ऐसा रिश्ता भी नहीं जो तुमने जिद लगाई हुई है। क्या मतलब? उन लोगों ने बुरे वक्तों में मेरा साथ दिया है। तुम्हारे बुरे वक्तों में नहीं, तुम्हें टास्क मिला था उस वजह से तुम वहाँ थी। जो भी हो, मुझे उनके घर जाना है। जब तुम फैसला कर ही चुकी हो तो मेरी इजाजत की क्या जरूरत है? लेकिन मैं तो आपकी इजाजत से जाना चाहती हूँ। वो तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। वैसे भी आप सारा दिन तो बिजी रहते हैं, और जब घर वापस आते हैं उसके बाद सारा टाइम शबनम के साथ गुजारते हैं। फिर ऐसे हालात में मैं कुछ दिनों के लिए फाखरा जी की तरफ चली जाऊंगी तो क्या हो जाएगा? माजिद ने मुझे जो कुछ भी बताया मैंने तुम्हें बता दिया। जो कुछ तुमने मुझे बताया फाखरा, उससे तो साफ साफ लग रहा है कि ये लोग बहुत खतरनाक है। जो लोग दूसरों की जायदाद को हथियाने के लिए
दूसरों का कत्ल कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है अंजुम, वो बहुत खतरनाक लोग होते हैं। इसीलिए तो अबू भी परेशान है। हाँ ठीक है, लेकिन इस तरह परेशान होने से कुछ भी नहीं होगा, आखिर कोई ना कोई तो फैसला करना होगा ना। मैं बात करूँ उनसे? क्या बात करोगी? कम से कम उनकी परेशानी, उनका दर्द खत्म करने की कोशिश तो कर सकती हूँ ना। हाँ वैसे ये तुम्हें करना चाहिए। कमाल अंकल भी उनके इंतजार में बैठे हुए हैं। लेकिन अंकल तो सो रहे होंगे। नहीं, अब्बू को इस वक्त सोने की आदत नहीं है, और खास तौर पे परेशानी के टाइम तो बिल्कुल नहीं। तो तुम उन्हें कमाल अंकल का बता दो ना, आपस में बातें करेंगे तो दिल हल्का हो जाएगा, और शायद दोनों मिलकर कोई ऐसा फैसला करें जो हम सबके लिए बेहतर हो। अब्बू जमीन कभी नहीं बेचेंगे फाखरा। उन्हें ऐसा ही करना चाहिए, किसी खौफ या गलत फहमी में आके कोई फैसला ना करे तो अच्छा है। मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन कभी कभी हमारे अपने ही हमें फैसला तब्दील करने पे मजबूर कर देते हैं। हाँ सही कह रही हो, हर इंसान रिश्तों की जंजीरों से बंधा हुआ है। रिश्तों की ये जंजीरें उन तमाम फैसलों से हमें रोक देती हैं जिनसे हमें नुकसान का अंदेशा। मैं एक काम करती हूँ, अब्बू को अंकल कमाल का बताती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ। अरे अली अब आ रहे हो तुम? तुम्हें पता भी अब्बू को मेडिसिन देनी होती है। आप ही वो फैजान मिल गया था रास्ते में। कौन फैजान? आप ही वो कौसर आपा का बेटा। ओ अच्छा, खैरियत? आप ही उसकी बहन ने कोर्ट मैरिज कर ली है। शाइस्ता ने? नहीं नहीं, आप ही शाइस्ता से छोटी फायदा का बता रहा था और बहुत गुस्से में था, फायदा उस लड़की के साथ भाग गई। अच्छा, बड़ा अफसोस हुआ। आप ही फैजान तो कह रहा था अगर उसे फायदा नजर आ गई तो वो गोली मार देगा। पता नहीं लड़कियों को भी क्या होता जा रहा है, अपनी मर्जी से जिंदगी के फैसले करने लगी है, ये सोचे समझे बगैर ही कि माँ बाप के दिल पे क्या गुजरेगी, किस तरह पालते हैं माँ बाप। आप ये सब गैर जरूरी आजादी की वजह से हो रहा है, और अपनी अंबर ने क्या किया है? हाँ लेकिन कम से कम वो फरूख को लेकर घर तो आ गई ना, और हमने खुद उनका निकाह किया था, ये तो नहीं हुआ ना कि वो घर से भाग कर निकाह करके आई हो। आप अंबर से गए, वो अपने ससुराल जाकर रहे। मैं कैसे कह सकती हूँ उसे, तुम जानते भी हो फिर वो मेरी तरफ से बदगुमान हो जाती है। होती है तो होने दें, ये तो कोई बात नहीं हुई ना, शादी करके अपने शौहर को यहाँ लिया है, जाए जाके अपने घर पे रहे। अच्छा खैर, तुम तो मुझे टेंशन देते हो, जाओ तुम अपने कमरे में, मैं अब्बू को मेडिसिन देती हूँ। आज सज्जो देखो कितना कुछ हो गया, मगर वो घर से नहीं गई, और जमाल को देखो कैसे मिट्टी का माधु बना हुआ है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। अरे आपा हो ना हो, मुझे तो ये तावीज धागों का चक्कर लगता है जिन्होंने जमाल की जुबान बंद की हुई है। अब क्या करें, सोचा था जमाल का दिल बुरा हो जाएगा, और इतना बड़ा इल्जाम लगने के बाद ये भी यहाँ से चली जाएगी, मगर कुछ भी नहीं हुआ। अरे ये अगर इस तरह नहीं गई तो हम कोई दूसरा रास्ता निकालते हैं। देख लो जो करना है ना वो जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि जमाल को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा है। अरे कौन सी गलती? यही महविज से शादी की गलती। अरे फायदा क्या, उसने उसको छोड़ा भी तो नहीं, और वो तो उसके घुटने से लगा बैठा रहता है। अरे बैठा रहने दो, कुछ ही दिनों की तो बात है। देखो शबनम से ना जमाल की शादी कर दो तो फिर मेरी उससे जान छूट जाएगी। देखो ना अगर उसकी गोद हरी हो जाती तो मैं सोचती कि वो मेरी जिंदगी में कोई खुशी लाइए, मगर यहाँ तो वीराने के अलावा कुछ है ही नहीं। अरे आपा तो तुम ही उसे इस बात का एहसास दिलाओ ना कि वो औरत जमाल को कोई खुशी नहीं दे सकती। ये बात तुमने ठीक कही, इसी बात पर शोर मचाती हूँ और बार बार उसको एहसास दिलाती हूँ कि ये औरत तुम्हें ना तो कोई फल देगी और ना ही कोई खुशी। मेरे जीते जी ये नहीं होगा। अबू? हाँ। वो क्या आप ठीक तो हैं? हाँ, अब तो ठीक हूँ। हम तो परेशान हो रहे थे, वो कमाल अंकल आए आपसे मिलने के लिए। क्या तुम लोगों ने उसे बुलवा लिया? नहीं नहीं, वो तो खुद ही आए हैं। चलो ठीक है, उसे यहाँ भेज दो। ठीक है अबू, लेकिन आप ये तो बताएं कि हुआ क्या था। क
कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, तुम जानती हो मेरा गुस्सा बस ऐसा है कि कहरे दरवेश बर जाने दरवेश, बस बस मैं खामोश हो जाता हूँ, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि खाम खां मेरी जबान से कुछ उल्टा सीधा निकल जाए। आपको आपको गुस्सा आ गया था? बहुत। अब वो गुस्सा ना किया करें, इससे आपकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। मैं गुस्सा करता नहीं हूँ, मगर उसकी बात ऐसी थी इसलिए मुझे तन बदन में आग लग गई। अब अगर वो यहाँ आए ना तो आप उससे मत मिलिएगा। मेरा नहीं ख्याल है कि अब वो दोबारा यहाँ आने की जरूरत करेगा। अच्छा, जबकि मेरा ख्याल तो ये है कि वो अब बार बार आएगा। देखने तुम ऐसा करो, कमाल को यहाँ भेजो। जी मैं भेजती हूँ। कमाल मजाक समझ लिया, इसका जो मुंह उठा है चला आता है। अम्मा तुम्हें पता है नईम को इंटरव्यू के लिए कॉल आई है, वो वहीं पे गया है। अरे नौकरी के लिए नहीं गया होगा, मुलाकात का टाइम सेट किया होगा इसलिए गया है। क्या कह रही हो अम्मा? अरे जो अपनी आंखों से देखा वही बता रही हूँ, अभी दोनों गली में खड़े बातें कर रहे थे। नईम उस चुड़ैल सुम्बुल से बातें कर रहा था? और नहीं तो क्या, बहुत हंस हंस के बातें कर रहे थे। अरे उन्हें तो ये भी शर्म नहीं थी कि आते जाते लोग उन्हें देख रहे हैं। और क्या क्या बातें नहीं बनेंगी अम्मा, मैं तो लगता है मर जाऊं तो अच्छा है। अरे मरे तेरे दुश्मन, वो दुश्मन जिन्होंने तेरी हस्ती बस्ती जिंदगी में जहर घोल दिया है। अम्मा आप तो नईम को किसी की परवाह नहीं रही, ना ही कोई शर्मो हया रही है, पहले तो वो ऐसा कभी नहीं था। ये सब कुछ इस बुढ़े सिद्दीक की शह पर हो रहा है। नहीं नहीं अम्मा, अब्बा जी का इसमें कोई हाथ नहीं है। क्यों हाथ नहीं है? बाप है उसका, दो हाथ मारे तो बिल्कुल ठीक हो जाए वो। कैसी बातें कर रही हो अम्मा, अब्बा जी इस उम्र में नईम पे हाथ उठाते अच्छे लगेंगे क्या? बेटा नाखलफ और बेशरम होना, उसे सुधारने के लिए हाथ उठाना ही पड़ता है। नहीं अम्मा, नईम ऐसी बातों से सुधरने वाला नहीं है। तो बस फिर हमारे पास एक ही रास्ता है। वो क्या? हमें सुम्बुल की माँ से बात करनी होगी, उसे उसकी बेटी के करतूतों के बारे में बताना होगा, और कोई रास्ता नहीं हमारे पास। मैं तो उससे बात नहीं करूँगी। तुम ना करना बात, मैं बात करूँगी, उसकी माँ को उसकी बेटी का असली चेहरा दिखाऊंगी। हाँ अम्मा ठीक है। जी अम्मी आपने बुलवाया मुझे? हाँ बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। जी अम्मी। भाई तुम दूसरी शादी कर लो। लेकिन क्यों अम्मी? भाई मेरी ख्वाहिश थी कि अपने आंगन में तुम्हारे बच्चे खेलते देखूं, मगर इस औरत से मुझे ये ख्वाहिश पूरी होती नहीं लगती। अम्मी अल्लाह के कामों में देर तो होती है, और जब उसका हुक्म होगा तभी तो कुछ होगा अम्मी। भाई कैसे, ये औरत तो बांझ है, अल्लाह की रजा तो तब होगी ना जब ये जमीन जरखेज होगी, मगर यहाँ सेम और थोर के अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसी बात नहीं है अम्मी, महविश की गोद भी इंशाल्लाह जल्दी भर जाएगी। हाँ जब मेरी आंखें बंद हो जाएंगी और मैं अपनी ख्वाहिश दिल में ही लेकर मर जाऊंगी। अल्लाह ना करे अम्मी आपको कुछ हो, आपको तो मेरी उम्र भी लग जाए। क्या करूंगी इतना जीकर, बस भाई तुम मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो। ये नामुमकिन है, एक बीवी के होते हुए मैं दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ? तो इसे छोड़ दो, वैसे भी ये पुलिस वाली है, और मुझे अपने घर के लिए ना एक मासूम और घरेलू लड़की चाहिए। उसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी है सिर्फ और सिर्फ मेरे खातिर, अब वो एक आम सी घरेलू औरत है। भाई मुझे नहीं पता, मुझे तुम्हारी औलाद देखनी है, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी आंखें बंद होने से पहले उन्हें देख लूं। और हमें तो लगता है कि जैसे कमाल अंकल भी इस ख्याल के हामी हैं, वो चाहते हैं कि वो जमीन बिक जाए। लेकिन क्यों, आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं कमाल अंकल ऐसा अंकल के मिजाज से बिल्कुल वाकिफ हैं। जी इसीलिए वो जोर नहीं दे रहे, बस अपने ख्याल का इजहार कर। वैसे वो ऐसा अंकल को कायल नहीं कर सकेंगे। लगता तो यही है वैसे। वैसा मेरा ख्याल है कि हमें उस जमीन पे तामीर शुरू कर देनी चाहिए। वैसे बहुत सारे बिल्डर्स मेरे जानने वाले हैं, उनसे कह दूंगी, बल्कि वो तो सुबह से ही काम शुरू करवा देंगे। वैसे एक ख्याल आ रहा है हमें। वो क्या? क्यों ना उस जमीन पे हम लोग खुद शॉपिंग सेंटर बना लें, हमारा मतलब है कि आप बना लें। अरे हाँ आइडिया तो बहुत अच्छा है,
हम वहाँ शॉपिंग मॉल के साथ एक हाउसिंग प्लाजा भी तो बना सकते हैं। जी बिल्कुल, बल्कि कम फ्लैट वाला, और उसमें एक फ्लैट अब्बा जी को भी दे देंगे। बिल्कुल, बल्कि हम तो अब्बा जी के नाम पे बनवाएंगे और इसकी मिल्कियत भी उनके नाम पर होगी। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या आपके पास पैसे हैं इतने? हाँ मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। अच्छा सुने, वो अब्बा जी की कुछ दवाएं लानी थी, तो आपके पास कुछ खुले पैसे हैं? नहीं नहीं हैं हमारे पास, हम ले लेंगे, ले लेंगे। क्या मिर्जा, इस तरह तो तुमने कभी नहीं किया, आज क्या हो गया तुम्हें? पता नहीं यार क्या हो गया, बस मेरे खून में जोश आ गया। यकीन मानो पता नहीं मैंने किस तरह अपने आप को कंट्रोल किया है, बस मैं ही जानता हूँ। हाँ लेकिन मिर्जा तुम तो बड़े ठंडे मिजाज के आदमी हो। ठीक कह रहे हो, वाकई मैं हूँ। ये बताओ क्या ठंडे मिजाज के आदमी के खून में उबाल नहीं आ सकता? अरे छोड़ो इस बात को, अपने आप को पुरसुकून रखो, इस मसले से निकलने का कोई फैसला करो। मैंने तो फैसला कर लिया है कमाल, कि अपनी उस जमीन को मैं नहीं बेचूंगा। मेरे पास ये लोग हैं, अंजुम है, फाखरा है, हमारे ये जो फैसला करें मुझे मंजूर होगा, लेकिन मेरे जीते जी कम से कम मैं ये जमीन बेचना नहीं चाहता। बज़ाहिर तो तुम्हारा ये फैसला ठीक लगता है। बज़ाहिर? क्या मतलब ये बात तुम कह रहे हो? हाँ, वो हम तुमने जिंदगी गुजार ली है, लेकिन हमारे बच्चे। ये यार यकीन नहीं आ रहा कि ये बात तुम कह सकते हो। मैं ठीक कह रहा हूँ मिर्जा, देखो आज हम जिंदा हैं, कल चले जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे यहीं रहेंगे इंशाल्लाह। इन्हें हारून की ताकत का अंदाजा नहीं है, ये हमारा फर्ज है कि हम इन्हें ये बताएं कि हारून कितना ताकतवर है। तुम साफ साफ कहो कमाल, कहना क्या चाहते हो? या मिर्जा, मैं चाहता हूं कि तुम ये जमीन हारून को बेच दो। शबनम, अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तुम जल्द से जल्द जमाल से बात कर लो। अम्मी अब क्या बात करूं, कैसे सब समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई जब तक उसकी बीवी इस घर से नहीं जाएगी ना, तो वो काबू में नहीं आएगा। क्या करें हम इसे घर से निकालने के लिए? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या मतलब? इन दोनों के साथ कुछ ऐसा किया जाए कि इन दोनों के बीच शक आ जाए, फिर इन दोनों के बीच खूब लड़ाइयां होंगी, तो समझो हमारा काम पूरा हो जाएगा। ये तो तुम्हारी सोच है ना, तुम ये बात क्यों बोल रही हो कि वो एक तेज औरत है? औरत की सारी तेजी मर्द की चालाकी के सामने खत्म हो जाती है। अम्मी अब मेरा दिल यहाँ नहीं लग रहा, अपने घर चलो, हम यहाँ कब तक पड़े रहेंगे? अरे भाई घर जाके हम क्या करेंगे, यहाँ इतनी अच्छी अय्याशी से हमारी जिंदगी गुजर रही है, हर चीज है, क्या फायदा वहां जाकर। मैंने सोच लिया है, भाई और भाभी का दिमाग ठिकाने पे रखूंगी, बहुत हो गया लिहाज। बस करो ज्यादा भड़कियां ना मार, शमो की एक आवाज पर तुम्हारी जान तो निकल जाती है, तुम क्या उसके साथ मुकाबला करोगी पागल। वैसे अब्बू आप दवाइयां तो टाइम पे ले लिया करें। बेटा तुम जैसी खिदमत गुजार बेटी है तो मुझे क्या फिक्र है। कहाँ अब्बू, सारा दिन तो मुझे ऑफिस के कामों से फुर्सत नहीं होती, कहाँ कर पाती हूँ मैं आपकी खिदमत। नहीं बेटा ऐसी तो कोई बात नहीं। अरे हाँ वो फरूख आया था, कोई काम था उसे आपसे? बेटा मुझे तो काफी समझदार लड़का लगा है वो। अच्छा मुझे लगता तो नहीं है। हाँ बेटा पहले तो मुझे भी नहीं लगता था, लेकिन है वो काफी तमीजदार। चले आपके लिए तो ये अच्छी बात हो गई। अरे बेटा तुम लोगों को तो टाइम मिलता ही नहीं है, अब उससे ही गपशप रहेगी मेरी। आपने उन दोनों के बारे में क्या सोचा है वैसे अबू?
सोचना क्या है बेटा, मुझे तो तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक लगती है। कौन सी बात? अरे वही बेटा, अंबर और फर्रुख को माफ कर देने वाली। चलिए ये तो फिर बहुत अच्छा हो गया ना। बेटा मैंने ये कहा है कि तुम्हारी बात ठीक लगती है, अभी मैंने फैसला नहीं किया है। अबू जब आपने सोचना शुरू कर ही दिया है तो मुझे यकीन है कि आप जल्द ही किसी फैसले पर पहुंच जाएंगे। अगर उन लोगों ने अपने रवैये और अमल से ही साबित कर दिया कि वो शर्मिंदा हैं और हमसे माफी चाहते हैं फिर तो ठीक है, वरना हम दोनों के रास्ते जुदा होंगे। अरे यार कमाल, क्या बताऊं, आजकल मेरी तबीयत सही नहीं रहती यार, ब्लड प्रेशर ने भी गड़बड़ की हुई है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो तुम एहतियात जो नहीं करते हो यार? तो यार क्या खाक एहतियात करूं, क्या घर में हर वक्त लड़ाई का माहौल बना रहता है। अरे भाई कभी इससे बात करता हूं, कभी उससे समझाने लगता हूं, हालात हैं कि वो किसी सूरत मेरे काबू में ही नहीं आते। यार तुम हालात को उनके हाल पर छोड़ दो, जो होना है वो होता रहेगा, बस अपनी फिक्र करो, इस उम्र में टेंशन लेना ठीक नहीं है। तो यार कमाल एक सच्ची बात तो ये थे, अपने बच्चों से भी तो गाफिल नहीं रह सकता ना। अरे उनकी फिक्र तो जैसे कब्र में ही मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। अरे यार परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, हौसला रखो। फारुख, 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 अरे उठो भाई, ये कोई सोने की जगह है। क्या बात है यार, इस घर में तो सुकून से सोने ही नहीं दिया जाता। क्या हो गया ये, इस वक्त तुम्हें नींद क्यों आ रही है? यार तुम्हारे अब्बा की बातें सुन सुन करना बोर हो गया था मैं, और तुम्हारे अब्बा के इतने बड़े बड़े लेक्चर थे, मेरे सर में दर्द हो गया है यार। सर को मनाना इतना आसान भी नहीं होता है मेरे भोले शोहर। उफ खुदाया, तुम भी अपने अब्बा की तरह बातें करोगी अब? जाहिर है भाई, बेटी हूँ इनकी, बातें तो इनकी तरह ही करूंगी ना। अच्छा भाई, तुम ऐसा करो मेरे लिए एक कप चाय ले आओ, और साथ में कुछ खाने के लिए भी ले आना, बहुत भूख लग रही है मुझे। अभी तो तुम्हें नींद आ रही थी। अब नींद तो भाग गई है, तुम जाओ एक चाय बना के ले आओ, मैं चाय पी के तुम्हारे अब्बा के पास जाता हूँ, वहाँ बैठता हूँ। क्यों, बुलाया उन्होंने क्या तुम्हें? हाँ, एक तो बड़ी मुश्किल से उनको अपनी जाल में फंसाया मैंने, और ये सब कुछ तुम्हारी खातिर कर रहा हूँ, और देखो तुम क्या क्या बर्दाश्त कर रहा हूँ तुम्हारी खातिर। नींद तो अब भाग गई है, तुम ऐसा करो चाय पिला दो, फिर तुम्हारे अब्बा के साथ भी बैठना है मुझे। आइए माजिद भाई, आप लोगों को मेरा घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं जमाल मियां, आपने फोन पे सारा एड्रेस समझा तो दिया था, फिर कैसी तकलीफ। महविश कहाँ है? जी जी आप लोग बैठे तो सही। भाई महविश तो हमें भूल गई है, एक दफा भी नहीं मिलने आई है। अरे वो तो आने का कह रही थी, तो अचानक से मेरी खाला और उनकी बेटी हमारे घर तशरीफ लाई। जमाल मियां, महविश जी को हमने अपनी बहन बनाया, और ऐसे ही नहीं बनाया, वो बहुत अच्छी खातून, उसका ख्याल रखना है आप। जी जी बिल्कुल, आप लोग प्लीज बैठे, मैं महविश को बुला लूं। जी हाँ, वैसे अल्लाह का शुक्र है कि अब्बू की तबीयत पहले से बेहतर है। चलो ठीक है, मैं अम्मी को बुला। ठीक है। नहीं हैं तो नाराज, लेकिन बाप हैं, कितने दिन अपनी औलाद से नाराज रहेंगे, और वैसे भी वो फर्रुख साहब, उनका दिल जीतने में लगा हुआ है। आता क्या है, बल्कि ज्यादातर हमारे ही घर में पाया जाता है, और अब्बू के साथ उसने दो चार दफा बैठ के बातें बातें कर ली हैं। अब तुम्हें पता है बुढ़ापे का टाइम है उनका, तो उन्हें भी थोड़ी उनसियत हो गई है। लेकिन मुझे ये सब कुछ ड्रामा लग रहा है, जहां तक मेरा तजर्बा है मुझे नहीं लगता कि फर्रुख सही किस्म का आदमी है। किस सिलसिले में? आबिद मैं कोई वक्त बर्बाद नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं बहुत सुकून से अपने भाई और बाप की खिदमत कर रही हूँ, और इसी तरह जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। तुम किन बातों को लेकर बैठ गए हो आबिद, मैं तुमसे फिर बात करूंगी। ओके बाय। बाहर माजिद भाई और फाकरा हैं।
माजिद भाई और फाखरा जी आए, मगर वो यहाँ कैसे? तुम बहुत याद कर रही थी ना उनको, बस दिल को दिल से राह होती है। कल माजिद भाई का फोन आया था मुझे, उन्होंने मुझसे एड्रेस पूछा और आज आ गए। लेकिन आपने मुझे तो नहीं बताया कि ये लोग आएंगे। सच पूछो तो मुझे भी यकीन नहीं था कि वो लोग वाकई आ जाएंगे। अच्छा सारी बातें छोड़ो, तुम जाओ भारों के पास बैठो जाके। हाँ मैं बस आती हूँ। अच्छा आप अम्मी को तो बता दें कि ये लोग आए हैं। अच्छा जल्दी आना, और हाँ खाने पीने का अच्छा बंदोबस्त कर लेना, ये लोग पहली मरतबा हमारे घर आए हैं। और अगर किसी चीज की जरूरत है तो मुझे तुम बता दो, मैं बाजार से ले आता हूँ। हाँ वो तो मैं बता दूंगी, आप अम्मी को तो बता दें कि वो लोग आए बैठे हैं। चलो ठीक है, मैं अम्मी को बता। ठीक है। समझदारी तो इसी में है कि हम मसलियत से काम लें। मुझसे नहीं होती ये मुनाफिकत। हमें तुम्हारे घर वालों को राजी करना है, तभी तो हम यहाँ सुकून से रह सकेंगे। लेकिन हम यहाँ क्यों रहें? मैंने शादी इसलिए तो नहीं की थी कि मुझे शादी के बाद भी यहाँ रहना पड़े। कुछ दिनों की बात है, मेरी नौकरी हो जाए फिर हम अपना घर अलग ले लेंगे, लेकिन जब तक कोई इंतजाम नहीं होता यहाँ रहना हमारी मजबूरी है। मुझे अच्छा नहीं लगेगा तुम्हारा यहाँ घर दामाद के तौर पर रहना। इससे क्या फर्क पड़ता है, दामाद भी तो बेटों की तरह होता है। और अब तो तुम्हारे अब्बू का मूड भी अच्छा रहने लगा है, और ये बात अलग है कि उनको मनाने के चक्कर में मेरे सर में दर्द रहने लगा है। देखो अंबर, मुझे ये सब मंजूर है सिर्फ तुम्हारी खातिर। तुम बहुत अच्छे हो फर्रुख, तुम मेरी खातिर क्या कुछ नहीं कर रहे हो। इसलिए कर रहा हूँ ये सब कुछ क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी हो, और तुम जानती हो इन सबको नाराज करके हमने शादी की है, मेरे दिल पे बहुत बड़ा बोझ आ गया इससे। लेकिन मैं क्या करूं? तुम अपनी बहन को राजी करो, अगर तुम्हारी बहन खुश हो जाएगी तो तुम्हारा छोटा भाई अली भी खुश हो जाएगा। हाँ जानती हूँ मैं, जेबी आपने तो जैसे अली को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। मैं इसलिए तो कहता हूँ कि सबको खुश रखो ताकि हम भी यहाँ सुकून से रह सके। वैसे माजिद घर तो काफी माकूल है ना? जी जमाल मियाँ भी बहुत माकूल है, और शुक्र की बात तो ये है कि महवेश जी भी अपने घर में खुश हैं। वैसे महवेश से मेरी फोन पे बात होती रहती है। आपने उन्हें घर के बारे में बता दी? हाँ मैंने उसे बताया था, बहुत खुश हो रही थी। अरे तो फाखरा जी आपको तो आज मिठाई लानी चाहिए थी। हाँ हाँ लेकर आई हूँ, गाड़ी में रखी है। हमारे साथ रह के खासी अकलमंद हो गई हैं। ये क्यों नहीं कहते हो कि तुम्हारे साथ रह के जो थोड़ी बहुत अकल थी ना वो भी खत्म हो गई है? आप हमें ऐसे समझती? नहीं माजिद मैं मजाक कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम माजिद भाई। अस्सलाम वालेकुम फाखरा जी, कैसे हैं आप लोग सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। बहुत अच्छा किया कि आप लोग आ गए, मेरा बहुत दिल चाह रहा था आप लोगों से मिलने का। झूठ बोल रही हो तुम भाई, तुम तो बड़ी बेमुरब्बत निकली। अगर तुम्हें मेरी याद आ रही थी तो तुम मुझसे मिलने आती ना। अरे नहीं फाखरा जी ऐसी कोई बात नहीं है, बस दरअसल घर में थोड़ी मसरूफियत ज्यादा है तो टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा चलो छोड़ो सारी बातों को, ये बताओ कि कैसी गुजर रही है? बस जैसी गुजरती है मेरी तो वैसे ही गुजर रही है। क्या बात है महवेश, तुम्हारा लहजा काफी दुखी लग रहा है। अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है फाखरा जी, अगर कोई बात होगी ना तो मैं बाद में जरूर बताऊंगी आपको। नहीं नहीं अगर आप बात करना चाह रहे हैं तो आप लोग बात करें, हम बाहर चले जाते। अरे नहीं नहीं माजिद भाई क्या हो गया आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर आप इतना क्यों, बता दें आप। अम्मी कौन आया है महवेश से मिलने? अरे भाई मुझे क्या पता महवेश से मिलने कौन आया है कौन नहीं आया है। फाखरा नाम ले रही थी महवेश, और शायद उसके साथ एक मर्द भी है, उसका नाम माजिद है। जमाल को पता है इन लोगों के आने का? मालूम नहीं, लेकिन महवेश बड़ी हंस हंस कर बातें कर रही है उनसे। हो सकता है उसके मैके से आए हो। मैके के लग तो नहीं रहे। अच्छा तो फिर मैं आपा से पूछती हूँ उनके बारे में। रहने दे मैं जमाल से खुद ही पूछूंगी। जमाल भी है अंदर? नहीं अंदर तो ये तीनों ही बैठे हैं सिर्फ। अच्छा ठीक है मैं आपा के पास जाती हूँ और तुम बेधड़क उनके पास चली जाओ, ये सुन गुन तो लो कि कैसे ये लोग आए किसने बुलाया है। हाँ ये ठीक रहेगा, मैं महवेश को ढूंढने की एक्टिंग करते हुए अंदर जाती हूँ। हाँ हाँ जरा खबर तो लेकर आओ। अच्छा अम्मी आप खाला के पास जाएं, मैं वहां से होके वहीं आ रही हूँ। चलो ठीक है आ जाओ।
आप ही, मैं अंदर आ जाऊं? हाँ आ जाओ। आप ही, वो मैं आपसे सॉरी करने के लिए आई थी, अगर मेरी बातों ने आपका दिल दुखाया हो तो। कौन सी बात? वही बातें जो मैं आपसे कहती रहती हूँ। अब आप तो जानती हैं कि मैं ऐसे ही हूँ, दिल में कोई बात नहीं रखती, जो मुंह में आता है बोल देती हूँ। हाँ जानती हूँ, लेकिन तुम में इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया अंबर? मेरा मतलब तुम और सॉरी। वो फरूख ने मुझे समझाया कि मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए, आखिर आप हमारा इतना ख्याल जो रखती हैं। वो तो मेरा फर्ज है, कोई एहसान तो नहीं करती मैं। मैंने आपके साथ बहुत ज्यादती की है ना आप ही, मैं आज के बाद ख्याल रखूंगी कि मेरी किसी भी बात से आपका दिल ना दुखे। तुम्हारी बातों से मुझे लगता है जैसा फरूख नजर आता है वैसा है नहीं। जी आप ही, वो तो बहुत अच्छा है, हमारी इस तरह से शादी करने की उसकी मर्जी नहीं थी। चलो ठीक है, अपनी गलती का एहसास हो जाना बहुत अच्छी बात है, और तुम दोनों को ये एहसास हो गया है तो अच्छा है। अच्छा आप ऑफिस से थके हुए आई हैं, आप बैठे आराम करें, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। अरे ऐसी भी कोई बात नहीं, ये तो मेरे रोज का काम है, मैं खाना बना लूंगी। बल्कि तुम एक काम करो, तुम फरूख के साथ जाके बैठो, मैं बनाती हूँ। फरूख को तो अब्बू के साथ बैठने का ना कोई चस्का लग गया है, दोनों ससुर और दामाद बैठे हुए पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं। चलो ये तो अच्छी बात है, इस तरह अब्बू को बीमारी का भी एहसास नहीं होगा। चले ठीक है, अब आप कहते तो मैं आ जाऊंगी इंशाल्लाह। ओह सॉरी, शायद आप लोग बिजी हैं। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं शबनम। मैं विश, ये कौन है? ये जमाल की कजन है शबनम। मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। सॉरी मैं ये बात नहीं कहूंगी, क्योंकि अभी तो मैं आपको ठीक से जानती भी नहीं हूँ। काफी दिलचस्प है हम। ये तो आप कह रही हो, वरना मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की। शबनम जमाल कहाँ रह गए? तुम्हारे शोहर इनामदार है, तुम्हें खबर रखनी चाहिए ना। फाखरा जी क्या ख्याल है, हम चलें? अरे नहीं, आप लोग ऐसे कैसे जा सकते हैं, मैं खाना खाए बगैर आपको जाने नहीं दूंगी। वैसे महविश ये कौन है? ये माजिद भाई हैं, फाखरा जी के शोहर। खास है, माकूल आदमी लग रहा है। शबनम जरा जमाल को तो देखो कहाँ रह गए। जमाल को देखने का काम तो तुम्हारा है, और तुम मुझे इजाजत देकर ठीक नहीं कर रही हो, बाद में मुझसे शिकायत मत करना। मैवजी काफी शरारती लग रही हैं जमाल मियां की तरफ। जी काफी शरारती। टुकड़े टुकड़े।